काई कबीले के बहादुर जवानों, वो खुदा जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलने पर कादिर है, गवाह है कि जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की है, जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, जो कभी अदल व इंसाफ और जुर्रत व बहादुरी से पीछे नहीं हटा। ओस खान से लेकर आज तक सुलेमान शाह जैसे फातेह की जगह कोई न ले सका, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ आइंदा आने वाली नस्लों को सौंपा, अपनी जान से बढ़कर अपने कबीले की हिफाजत की। उसने कभी अपने कबीले को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा, कभी अल्लाह के अदल इंसाफ से पीछे नहीं हटा, हमेशा अल्लाह की रजा पर सर तस्लीम खम रखा, ना कभी दुश्मन को भागने दिया और ना ही कभी दुश्मनी में तजावुज किया। अपने ही लोगों की गद्दारी और मुश्किल तरीन हालात भी सुलेमान शाह को रास्ते से ना हटा सके। उस मर्द मुजाहिद के सामने जालिम का जुल्म हार गया और इस्लाम दुश्मन ताकतें पसपा हो गई। उसने काई कबीले का मान और एतबार अपने बेटों के जरिए कायम रखा, जो आज भी सुलेमान शाह के नाम की तरह कायम है, ताकि तुम फातेह कर सको और जालिम का खात्मा कर सको। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि काफिरों को अंजाम तक पहुंचाना है और सुलेमान शाह के दिए गए मान को कायम रखना है, और ये मान हमारे पास अमानत है। इस अमानत की हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। कोई काफिर कोई जालिम तुम्हारा रास्ता न रोक पाए। अल्लाह हमारे सरदार सुलेमान शाह पर अपनी रहमतों का साया रखे। मेरे बच्चों, ये कभी न भूलना कि तुम्हारी सारी फतूहात तुम्हारे मोहसिन सुलेमान शाह की दी गई कुर्बानियों का सिला है। अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान करे। याद रखना, तुम उसी सुलेमान शाह की औलाद हो। ये कभी न भूलना कि तुम उसी बहादुर सुलेमान शाह की नस्ल में से हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।